श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संगम में हम जानेंगे कि संतान प्राप्ति के दो अचूक उपाय कौन कौन से हैं। अचूक का मतलब यह है कि ये उपाय यदि आप पूरी निष्ठा से और पूरी आस्था से आप करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, भगवान विष्णु जी की कृपा से, भगवान गणेश जी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरी निष्ठा से और पूरी आस्था से ये उपाय करना होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत का देव निरंजन। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए कुंडली के अंदर दो ग्रहों का मजबूत होना काफी आवश्यक है। सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को परिवार का कारक माना जाता है, तो बृहस्पति ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत होगा तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह को भी संतान का कारक माना जाता है, तो बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जो यदि कुंडली में काफी मजबूत होते हैं तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा मंगल को भी इसका कारक ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, यदि जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है या फिर बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, उनको संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी राहु बाधक बनता है, कभी केतु बनता है, कभी सूर्य बनता है, कभी शनि के कारण से संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन यदि कुंडली में बुध ग्रह अच्छी पोजिशन पर है और काफी मजबूत है, या फिर बृहस्पति ग्रह काफी अच्छी पोजिशन पर है और मजबूत है, तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो इस अंक में अब हम देखते हैं कि वो दो उपाय कौन से हैं जिससे बृहस्पति ग्रह को और बुध ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है और संतान प्राप्ति की ओर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए आपको ये उपाय करना होगा। बृहस्पति ग्रह जो है वो विष्णु जी का ग्रह माना जाता है। अगर बृहस्पति ग्रह को बल देते हैं तो विष्णु जी की कृपा आप पर होने लगती है। तो आपको बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की आराधना करनी होगी। तो दोस्तों, विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होगी। लड्डू गोपाल जी की पूजा आपको गुरुवार से प्रारंभ करनी है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की पूजा आपको गुरुवार से प्रारंभ करना है। गुरुवार को दंपति, पति पत्नी दोनों लड्डू गोपाल की मूर्ति का अच्छे से अभिषेक करें। उनका जो अभिषेक है आपको गाय के दूध से करना है। गाय के दूध में आपको केसर मिलाना है, कम से कम 1 लीटर गाय का दूध होना चाहिए। तो 1 लीटर गाय के दूध से आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी का आपको अभिषेक करना है, साथ में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और पूरी निष्ठा और पूरी आस्था के साथ में ये जाप करना है। दोस्तों, जब आप पूरा दूध जब लड्डू गोपाल जी पर चढ़ा देंगे और उनका अभिषेक कर लेंगे तो उस दूध से आपको खीर बनानी है और जो दंपति है पति पत्नी उनको वो खीर खाना है। पति या पत्नी दोनों ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर सिर्फ पत्नी भी कर सकती है या फिर पति भी ये उपाय कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, हर गुरुवार को आपको शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करना है, तो इससे आप पर विष्णु जी की कृपा होगी और कम से कम 21 या 51 गुरुवार तक आपको ये कार्य करना है, तो आप पर विष्णु जी की कृपा अवश्य होगी और संतान की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय बुध ग्रह से संबंधित है। बुध ग्रह गणेश जी का ग्रह माना जाता है, तो दूसरे उपाय में आपको गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। हर बुधवार को आपको अपने शहर में जो भी गणेश मंदिर है उसमें जाना है और 5 पान के पत्ते आपको अर्पित करना है पूजा वाले, साथ में आपको 5 जो सुपारी होती है पूजा वाली वो उन 5 पत्तों के ऊपर रखनी है। हर पत्ते के ऊपर आपको 2-2 इलायची रखनी है। इसके साथ ही केवड़े का इत्र आपको गणेश जी को चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है और आपको मोतीचूर के लड्डुओं का, देसी घी से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको उसी मंदिर में 11 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और अपनी मनोकामना गणेश जी के सामने कहनी है। तो दोस्तों, ये उपाय भी आपको 21 या 51 बुधवार तक करना है। दंपत्ति जोड़े के साथ ये उपाय कर सकते हैं, या सिर्फ पत्नी भी कर सकती है, या सिर्फ पति भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे दो उपाय, एक बृहस्पति ग्रह से संबंधित था, एक बुध ग्रह से संबंधित था। यदि बृहस्पति और बुध की कृपा होगी तो आपके घर में संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये वीडियो उन दंपतियों तक अवश्य पहुंचाइए जिनको संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।